हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली दोस्तों इस ब्लॉग में आ चुके हैं, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं खेत, और आप लोग इधर पीछे देख ही सकते हैं कि ए फावड़ा और हो चुकी है काफ़ी तगड़ी धूप भी है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो फाइनली खेत में आए हैं और यहाँ पे मिट्टी चढ़ा रहे हैं, आप लोग इधर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में आ चुके हैं तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, और वीडियो में कमेंट नहीं किया है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दें, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो फाइनली दोस्तों अभी हम खेत में यहाँ पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं, तो अभी पीछे और भी चढ़ाना बाकी है, तो अभी बस थोड़ा सा ही चढ़ा है। तो दोस्तों चलिए उसे भी चढ़ाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने अपने ट्राइपॉड को कैसे जुगाड़ से खड़ा किया है, क्योंकि इसके वैसे मैं खड़ा कर रहा था तो बार बार गिर जा रहा था, तो मैंने इसे मिट्टी में ही गाड़ दिया। तो इधर देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिट्टी में गाड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं इतना अंदर गाड़ा हुआ था। तो दोस्तों अभी फाइनली पूरा हो चुका है, तो बस अब एक दो ठो और बचा हुआ है। तो पानी भी खेत में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि पानी भी इसी लगले भर दिया जाए, क्योंकि बाद में हमें ही भरना था। तो दोस्तों आप लोग इधर देख सकते हैं कि खेत में पानी भी भर रहे हैं, तो अभी काफ़ी थक भी चुके हैं, तो अभी कर रहे थे आराम। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हैं पीछे कि इधर मम्मी खेत में पानी लगा रही हैं, और यहाँ पे पालक भी बोया हुआ है, तो पालक में भी पानी भरा रहा है, आप लोग इधर देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हमारे यहाँ खेत में ये सांप निकला है, हम लोगों की तरफ इसे तिलिया सांप बोलते हैं, तो आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फरसे पे ये है, तो आप लोग देख सकते हैं ये फावड़े पे है, तो ये काटता नहीं है, तो इसको नीचे उतारते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, तो देखिए ये कैसे कर रहा है। तो दोस्तों इसको चलिए लकड़ी से उठाते हैं, देखिए अंदर घुस रहा है। तो दोस्तों अभी वो सांप इस फरसे के नीचे है, तो हटाइए, चलिए हटाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे भाग रहा है, तो इधर देख ही सकते हैं, देख सकते हैं तो काफ़ी बड़ा सांप है, तो इधर देख सकते हैं कितना बड़ा सांप है दोस्तों ये। तो यहाँ मिट्टी से इसे तोप के, चलिए दोस्तों हम अपना आप काम करते हैं, क्योंकि अब उसके चक्कर में हमारा समय भी बर्बाद हो रहा था। तो चलिए बस थोड़ा सा और बाकी है, आप लोग इधर देख सकते हैं कि एक दो ठोर बचा हुआ है, बस ये लास्ट बचा हुआ है, एक दो ठो नहीं, बस ये लास्ट बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको भी चढ़ा के करते हैं ख़त्म, फिर चलते हैं घर, अभी खाना भी नहीं खाए हैं और टाइम हो चुका है 12। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी तगड़ी धूप भी है इधर, और खेत में दोस्तों इधर कोई भी दिख नहीं रहा होगा अभी। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं अभी पालक को पानी देने, तो चलिए इसे छिड़काव करते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे पालक को पानी दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं देते हैं। तो दोस्तों ऐसे हाथ में लेकर ऐसे छिड़काव करना है, क्योंकि इधर ऊँच है, इधर पानी नहीं चढ़ पाता, इसीलिए ऐसे छिड़काव करना पड़ता है, तो नमी आ जाएगी तो पालक अच्छे से होगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरे पालक के खेत में पूरा पानी छिड़क दिए हैं, तो चलिए चलते हैं घर। फाइनली दोस्तों अपना फावड़ा उठाते हैं और निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि सारा काम हो चुका है, तो चलिए चलते हैं घर।
फाइनली दोस्तों आ चुके हैं घर, तो चलिए नहाते हैं और खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली दोस्तों नहा चुके हैं, तो अभी आप लोग देख ही सकते हैं हम यहाँ पे हैं। फाइनली दोस्तों आए थे खेत में सोडा देने, तो आप लोग इधर देख ही सकते हैं कि ये सोडा है और आप लोग इसे देखकर समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। तो चलिए खेत में देते हैं। फाइनली दोस्तों हमें यहाँ खेत में सोडा मार चुके हैं, आप लोग इधर देख ही सकते हैं कि पूरा वहाँ तक पूरा सोडा हो चुका है पूरे खेत में। फाइनली दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो इधर देख सकते हैं काफ़ी मस्त नज़ारा हो रहा है। इधर खेत में भी सभी लोग आ चुके हैं अभी, तो आप लोगों को इधर दिखा देते हैं। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं घर और पहुँचे हैं अभी, देखिए इस मशीन के पास, तो अभी ये मशीन बिगड़ चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एकदम पानी नहीं है और एक कुआँ है जो कि इसमें से अभी मशीन निकल चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।